यूट्यूबर्स को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें हम एक नंबर पेपर डॉक्टर विनीता चौहान मैम द्वारा करवा दिया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दो नंबर अपने कल ही किया था और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तीन नंबर जो पेपर है, वही पेपर एक नंबर के साथ में कंबाइंड था, इसलिए तीन नंबर पेपर आपका नहीं हो पाएगा। आज हम उसी श्रृंखला में चौथा पेपर शुरू करने जा रहे हैं। आपको अगर इसी श्रृंखला में यह आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम बात करते हैं पेपर नंबर दो में। पेपर नंबर दो में हमने सॉल्यूशन किया, आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, आपने अच्छे कमेंट किए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, पेपर नंबर चार। पहला प्रश्न है, मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पूछा गया सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी से हमारा तात्पर्य है, ऑप्शन है हमारा कृत्रिम मेघ, कृत्रिम मेगा, चिंतन अनुकरण, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर। सूचना प्रौद्योगिकी से हम सीधा सा हमें समझ में आता है कि चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर सही आंसर होगा इसका, जो 1976 से 1989 के बीच में आई है। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर, जिन्हें हम 4G कहते हैं, मेमोरी सेमीकंडक्टर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दो, गूगल के द्वारा मोबाइल फोन के लिए विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे सामने एप्पल, एंड्रॉयड, ओपेरा, लिनक्स। सही आंसर रहेगा अपना एंड्रॉयड। क्यों है? क्योंकि यह लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉइड कब आया? 23 सितंबर 2008। ऑप्शन नंबर एक था अपना एप्पल। एप्पल क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ओपेरा वेब ब्राउजर है जो 10 अप्रैल 1995 को आया था। ऑप्शन डी आपका लिनक्स है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 17 सितंबर 1991 को आया। ब्राउने चार्जिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राउने चार्जिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर एक 1895, ऑप्शन आपका बी है 1800, 1885 और 1900। ब्राउने चार्जिंग सिस्टम आपका आया था 1895। नीना ब्राउने ने बोस्टन के पुस्तकालय में इसको तैयार किया था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर है आपका बी 1800। ऐसी आपको कोई घटना याद आ रही है जो 1800 में हुई हो? नहीं, इस 1800 में आपकी ये घटना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित हुआ था, ठीक है, जो 1830 में बंद हो गया था, जिसकी 5,000 किताबें दान की गई थी सेंट्रल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थिसोर्स का निर्माण किसने किया? नहीं, मार्गरेट मान। सही देखिए ऑप्शन, मार्गरेट मान ने, एलेन कैट ने, जो आपका सी है मार्गरेट रोजर, इसे काट दीजिए, इसकी जगह आप लिखिए पीटर मार्क रॉगेट, पीटर मार्क रॉगेट। डी ऑप्शन है आपका यूजीन गारफील्ड। इसका सही आंसर रहेगा आपका पीटर मार्क रॉगेट, 1852 में। थिसोर्स का निर्माण कब हुआ? पीटर किसके द्वारा किया गया? पीटर मार्क रॉगेट, 1852। अब थिसोर्स किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, नोट कर लीजिए। सभी यूट्यूबर से निवेदन रहेगा कि वो भी कॉपी पेन लेकर के उसे नोट डाउन करते रहें। जो आपके 50 क्वेश्चंस है वही आप, यानी डिस्क्रिप्शन में करीब 200 से अबव क्वेश्चन होंगे। पहला आपका है ऑप्शन में मार्गरेट मान। मार्गरेट मान की एक वर्गीकरण की परिभाषा चलती है, वह कौन सी है या क्या थी? परिभाषा लिख लीजिए, मार्गरेट मान द्वारा दी गई थी, वस्तुओं को समानता व भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। मार्गरेट मान की परिभाषा है वर्गीकरण की, वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है।
वर्गीकरण से याद आता है, सभी यूट्यूबर्स ध्यान दें, पेपर नंबर 2 में हमने देखा था कि वर्गीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। वहां मिसमैच हुआ था कि चीन से हुआ या रोम से। तो वर्गीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग रोम में किया गया, और चीन में ऐसी कोई क्या घटना थी, ईसा के 105 वर्ष पूर्व, यानी एक ईसा के 105 वर्ष बाद में कागज का आविष्कार किया गया था चीन से। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ACR2 में संस्करण को लिखा जाता है, ऑप्शन है आपके सामने इंडो अरेबिक, रोमन में, मात्रा में या शब्दों में। ACR2 जो है वो इंडो अरेबिक में लिखा जाता है, जो 0 से 9 अंक, यानी कि शुद्ध इंडो अरेबिक। और किस में लिखा जाता है, शुद्ध अंकन में और DDC में भी आपके काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपका, FRBR मॉडल क्या है। FRBR मॉडल की परिभाषा, नहीं फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि क्या है ये ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, नोट डाउन कर लीजिए FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, जो किसके द्वारा संचालित है, इफ्ला के द्वारा दिया गया था। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मैनिफेस्टो, वर्क, एक्सप्रेंशन, आइटम। ये आपके ग्रुप है जो आपको सीक्वेंस बतानी है कि कौन सा रहेगा। इसका सही आंसर आपका सी रहेगा, इसे आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, WEMI, जिसे आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम कोड का वह अंश जो स्वयं की प्रतियां बना करके फैलाता है, यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने ईमेल, वायरस, फाइल फॉर्मेट, बैंडविड्थ। जो आपकी फाइलें कंप्यूटर में अचानक से आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी फाइलें एक ही जैसी बनी हुई होती है, वह वैसा क्यों होता है, वायरस के कारण। सही आंसर आपका रहेगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था। हमें पहले तो यह जानना है कि कैनन किस भाषा का शब्द है। कैनन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून। अब यहां पे अपना क्वेश्चन है कि कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था। कैनन शब्द का प्रयोग सेयर्स महोदय ने किया था, कौन सी पुस्तक में, तो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 1915 में सर्वप्रथम किया गया था। तो अब हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन है, रिचर्डसन, सेयर्स, रंगानाथन ने, ब्लिस ने। सही आंसर हो गया सेयर्स। अब ऑप्शन दे रखे हैं रिचर्डसन ने, रंगानाथन ने या ब्लिस ने, तो इनका भी इस कैनन से ही संबंधित है चारों ही ऑप्शन। पर इसका हमने देख लिया कि और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं रिचर्डसन और ब्लिस और रंगानाथन सर से। तो रंगानाथन जी ने भी कैनन के लिए उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया है, कैनन शब्द के लिए उपसूत्र, जो अब तक 43 उपसूत्र का निर्माण हो चुका है कैनन के। तो अब रिचर्डसन और ब्लिस, इनका इस कैनन से भी कोई संबंध है क्या। तो हम देखते हैं कि रंगानाथन जी से पूर्व भी रिचर्डसन, ब्लिस और सेयर्स ने वर्गीकरण के उपसूत्रों की रचना की थी। उसके बाद में इन्हीं को आधार मानते हुए रंगानाथन जी ने पॉलीग्रामिया में इसी उपसूत्र का प्रयोग, यानी कि वही उन्हीं कैनन को आधार मान करके आगे के निर्माण किए थे। ठीक है, आगे है अपना, पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निदानियों में रखकर किया जाता है क्या कहलाता है। हाँ, तो पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिन पाठकों के द्वारा अनुचित निदानियों में रखा जाता है, तो उन्हें अपन कहते हैं निदानी परिशोधन। तो निदानी परिशोधन का कार्य अगर हम 5 लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो कौन से सूत्र में रहेगा। नहीं, चतुर्थ सूत्र, समय बचेगा। भाई आपकी सेल्फ में किताब है, तो वहां पे जो पाठक है वो दूसरे सेल्फ में ले जा करके डाल रहा है, तो वो आपको किताब नहीं मिलेगी।
लेकिन आपने परिशोधन करके वापस उसी में रखा है, कारण है कि समय का बचाव। ठीक है, तो चतुर्थ सूत्र से आपका संबंधित रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है रंगानाथन को, ब्राउन को, सेयर्स को या ब्लिस को। तो हमें यहाँ पे वर्गीकरण का वर्गाचार्य व्याकरणाचार्य अपन कहते हैं सेयर्स सर को। तो ये बताएं कि वर्गीकरण का पिता अपन किसे कहेंगे भारत के संदर्भ में। अरस्तु। वर्गीकरण के पिता यानी कि जनक अपन कहेंगे अरस्तु सर को। ठीक है, और रंगानाथन जी थे वो वर्गीकरण करता थे, न कि व्याकरण वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य। ठीक है, जिन्होंने कॉलन वर्गीकरण दिया है। ब्राउन ने सर है जिनका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 आपको पता है, विषय वर्गीकरण। ब्लिस का बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ग्रंथ सूची वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है। ऑप्शन है आपके सामने RRLF, डेसीडॉक, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। सही आंसर आपका रहेगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। तो ये बताएं कि RRLF का कोई आपको प्रकाशन याद आ रहा है। RRLF का भी आपको कोई प्रकाशन याद आ रहा है कि कोई हो तो आपके ग्रंथाना, RRLF का ग्रंथाना और इंडेक्स इंडिया ना सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, DDC की REN टेबल है। REN ये शॉर्ट दे रखे हैं, इसी तरह से वॉल्यूम 2 में आपके DDC की 7 टेबल है, सभी सातों टेबल के शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि DDC की REN टेबल कौन सी टेबल को कहते हैं। ऑप्शन है आपके टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 3। तो हमें पता होना चाहिए टेबल नंबर 5 है, REN है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, रिकेल एथनिक नेशनल ग्रुप, जातीय प्रजातीय राष्ट्रीय समूह। फुल फॉर्म आप इसकी लिख लीजिए, रिकेल एथनिक नेशनल ग्रुप, जातीय प्रजातीय राष्ट्रीय समूह। यह टेबल नंबर 5 से संबंधित है, DDC की REN। तो हम 1 से 7 तक की देखें तो पहली आपकी आती है SS, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। सेकंड आती है RE एरिया, जिसे ARE शॉर्ट में दे देंगे आपको। तीसरी है आपकी साहित्यिक उपविभाजन सब डिविजनल। चौथी रहेगी भाषा विषयक उपविभाजन। पांचवी आपकी REN आई गया। छह नंबर है आपकी लैंग्वेज, जिसे LANG डॉट लिख करके आपको शॉर्ट में दे देंगे। और सातवीं है व्यक्ति, जो पर्सन PER लिख करके आपको पूछ लेगा कि यह टेबल कौन सी है। आगे है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीज AGRIS एग्रीज का पूर्ण स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यह हमें पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल सिस्टम। डी ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चरल साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही आंसर इसका होगा बी, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MARC मार्क प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। तो अब मार्क हमारे सामने कितने हैं, मार्क 1 है, मार्क 2 है, तो ये कब आए ये भी हमें पता होना चाहिए। मार्क आपका आया था 1966, वेरी गुड। और मार्क 2 आया था आपका 1969 में। और मार्क 21 1996 में। और यूनिमार्क आया था आपका 1977। वापस देख लीजिए, मार्क 1 है आपका 1966, मार्क 2 है 1969, मार्क 21 है आपका 1996 और यूनिमार्क है आपका 1977।
नोट डाउन करते रहें। नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल नॉलेज कमीशन को किस समय विघटित किया गया था? नेशनल नॉलेज कमीशन को किस समय विघटित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 2009, 2011, 2014, 2015। सही आंसर आपका रहेगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसी में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं एसडी, सुपर इम्पोजन डिवाइस, एडी या क्लासेस डिवाइस। सीसी में हाइफन का प्रयोग अध्यारोपण विधि में किया जाता है, तो वहां पे हमें देखना है कि यहाँ पे इंग्लिश टर्म दे रखी है सुपर इम्पोजन डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का अंतिम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किसके सहयोग से निर्मित किया गया? ऑप्शन है ALA के सहयोग से, इफ्ला के सहयोग से, OCLC के सहयोग से या क्लिप के सहयोग से। इफ्ला के सहयोग से। तो यहाँ पे पूछा है कि यूनेस्को का अंतिम सार्वजनिक ग्रंथालय, तो फिर पहला ग्रंथ यानी सार्वजनिक ग्रंथालय के घोषणा पत्र में पहला कौन सा था, पहला कब आया? तो यहाँ पे ये अंतिम बताया है, टोटल तीन हुए हैं, पहला उसके बाद में रिवाइज्ड आया है, फिर रिवाइज्ड आया है। तो पहला 1949 में, उसके बाद में संशोधन हुआ 1972 में, और अंतिम हुआ है आपका 1994 में। तीन बार संशोधन हुआ है, दो बार संशोधन हुआ है, और पहला 1949 में आया था। आगे क्वेश्चन भी आएगा। किसी पुस्तक में शीर्षक पृष्ठ पर दिया गया टाइटल क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने रेफर्ड टाइटल, रॉ टाइटल, फोकल नंबर, कर्नल आइटम्स। आपका रहेगा रॉ टाइटल, अपरिष्कृत शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? अभी हमने देखा, ऑप्शन है हमारे सामने 1949, 1982, 1990, 1994। तो 1949 में पहला, दूसरा आपका यानी संशोधन 1972, और फिर तीसरा आपका 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलविल डीवी का जन्म स्थल कौन सा है? नहीं, तुक्के नहीं, ऑप्शन देखो, कोलंबिया सेंटर, लैक पैलेस क्लब, एडम सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो मेलविल डीवी सर का पहले तो ये बताओ कि जन्म कब हुआ, जन्म दिनांक भी पता होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि किस स्थान पर हुआ, और फिर वह स्थान किस कंट्री में। 10 दिसंबर 1851 में जन्म है, एडम्स सेंटर के न्यूयॉर्क में। ठीक, तो अब ये बताओ कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये भी पूछा जा सकता है। जन्म स्थान पूछा है तो हमें मृत्यु का भी पता होना चाहिए, लेक पैलेस्ड में। मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1931 में, नोट डाउन कर लें। मृत्यु 26 दिसंबर 1931, जन्म 10 दिसंबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का सही मतलब है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है। दो कंप्यूटरों के बीच डेटा का आदान प्रदान प्रोटोकॉल कहलाता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या है। ऑप्शन नंबर एक है आपका लीकेज बिटवीन टू डिवाइस, लिंकेज बिटवीन टू कंप्यूटर्स, इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू लाइब्रेरी। तो हमारा यहाँ है कि दो कंप्यूटरों के बीच में डेटा का आदान प्रदान, तो इंटरचेंज टू डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका आवर्तन नहीं होता है? आवर्तन राउंड से लिया है, यानी राउंड्स और लेवल दो होते हैं, आवर्तन और स्तर। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका आवर्तन नहीं होता है। PMEST जो आपने पढ़ा है उसी में अब बताएं कि ऑप्शन है आपके सामने स्थान पहले से, बी टाइम, और सी ऑप्शन है इनमें से दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्थान और समय के लिए आवर्तन नहीं होता है, आवर्तन होता है आपका व्यक्ति, PME मैटर और एनर्जी।
पर्सन, मैटर और एनर्जी, आवर्तन के लिए, स्तर के लिए, पर्सन, टाइम और स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया? यह तीसरा वापस रिपीट हो रहा है, तीन बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। पहला ऑप्शन आ रहा है 1972, 1994, 1982, 1990। घोषणा पत्र 1949 में ही आ गया था, उसके बाद में 1972 में संशोधित है, अंतिम जो है अंतिम रूप से 1994 में संशोधित किया गया। सही आंसर आपका इसमें रहेगा 1994। तो चारों ऑप्शन भी देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर रहेगा। प्रथम पूछा होता 1949, अंतिम पूछ रहे हैं 1994, और बीच में अगर 1972 ऑप्शन में होता और 1949 और 1994 ऑप्शन में नहीं होते तो 1972 सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा पुस्तकों के पुनर्व्यवस्थापन की बात अपनी परिभाषा में की गई है? ऑप्शन है आपके शेयर्स, ब्लिस, मार्गरेट यान, रंगनाथन। आपकी यह परिभाषा ब्लिस महोदय के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ILA। तो यही लिखा आता है कि सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, और ऑप्शन में होता ALA, ILA, ISLIC। तो अपना सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो ALA का है, और भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा ILA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंटर आयोग निम्न में से किस वर्ष गठित किया गया था? अंटर आयोग निम्न में से किस वर्ष गठित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1880, बी ऑप्शन है 1881, सी ऑप्शन है 1882, और डी ऑप्शन है आपको 1917। सही आंसर रहेगा आपका 1882। अंटर आयोग वुड घोषणा पत्र के सिद्धांतों को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा व और पुस्तकालय की समीक्षा करना, उनमें नए सुधार में क्या क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका था 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष पूछा है आपको। ऑप्शन है आपके अंटर, रंगनाथन, केपी सिन्हा या एम सेल्डर। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष आपके एम सेल्डर, और रंगनाथन जी थे लाइब्रेरी कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंटर आयोग ने बल दिया है, अभी आपको बताया था कि शिक्षा और पुस्तकालय की समीक्षा में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ग्रंथालयों की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना, स्कूल व ग्रंथालयों की स्थापना, विश्वविद्यालय ग्रंथालयों की स्थापना। सही ऑप्शन रहेगा स्कूल और कॉलेज ग्रंथालयों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सीडी देशमुख सर। तो ऑप्शन में हमारे हैं DS कोठारी, राधाकृष्णन, KP सिन्हा, और डी ऑप्शन में है सीडी देशमुख। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सीडी देशमुख सर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुदालियर आयोग विशेष रूप से किसके विकास हेतु स्थापित किया गया था? मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952। डेट बताओ। मुदालियर आयोग 23 सितंबर 1952। सभी यूट्यूबर्स से निवेदन रहेगा, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडिया समिति 1966 का गठन, 1967 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय ग्रंथालय, ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियां या ग्रंथालय सेवा की नवीन प्रविधियों से, ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियों के लिए वाडिया समिति का गठन किया गया था। 33 क्वेश्चन है आपका, लालू समिति 1970 की स्थापना का
प्रमुख उद्देश्य था ग्रंथालय प्रशिक्षण, एमलिव साइंस, उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय ग्रंथालय। लालू समिति का स्थापना का उद्देश्य एमलिव साइंस से था, मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन। तो लालू सर समिति नाम पड़ा है वो क्यों? तो लालू समिति का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए बी लाल ने ही इस समिति का गठन किया था, जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी थे उनको प्रोत्साहन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए एमलिव साइंस के कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी का गठन किसके द्वारा किया गया? वर्किंग लाइब्रेरी ऑफ ग्रुप्स, ऑप्शन है आपका योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा विभाग, भारत सरकार। आपका रहेगा योजना आयोग। वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, जो 1964 में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज के अध्यक्ष कौन थे? वीके आर वी राव, नोट डाउन कर लें। वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी के अध्यक्ष वीके आर वी राव थे। किससे संबंधित थी? योजना आयोग से। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज के रूप में प्लानिंग की गई। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, ग्रंथालय विस्तार सेवा नहीं है। ऑप्शन है चल ग्रंथालय, विभाग ग्रंथालय, अध्ययन केंद्र, कहानी। ग्रंथालय विस्तार, क्यों भाई? अध्ययन केंद्र ग्रंथालय विस्तार में ही आते हैं, लाइब्रेरीज में अपन जाकर के पढ़ सकते हैं। चारों ही ये ऑप्शन सही है आपके, ग्रंथालय विस्तार सेवा है नहीं, हटा लीजिए, और ग्रंथालय ई ऑप्शन डाल दीजिए, इनमें से कोई नहीं। चल ग्रंथालय भी ग्रंथालय विस्तार सेवा है, विभागीय ग्रंथालय भी है, अध्ययन केंद्र भी है, कहानी समय भी है ना, तो चारों ही ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, चल ग्रंथालय सेवा किस सेवा का भाग है? सहभागी सूचीकरण, संसाधन साझेदारी, विस्तार सेवाएं या अंतर ग्रंथालय ऋण। तो चल ग्रंथालय मोबाइल लाइब्रेरी किससे संबंधित है? विस्तार सेवाएं, लाइब्रेरी के विस्तार से संबंधित। रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है हमारे सामने, बुक मोबाइल, मोबाइल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, लिब्रासी। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सी और डी में। देखो चल ग्रंथालय मोबाइल लाइब्रेरी के, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था, तो हमें यहाँ पे दो जगह कंफ्यूजन होता है। एक सेकंड, मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और लिब्रासिन, इन दो में आपको कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने मोबाइल पुस्तकालय की संज्ञा तो दी है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को, जो प्रसार सेवा से संबंधित है, लेकिन पर्टिकुलर बहुत ही डीप में अपन जाते हैं जब उन्होंने लिब्रासिन कहा है कि लाइब्रेरी ऑन मशीन, तो नहीं, लिब्रासिन लाइब्रेरी ऑन मशीन, और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स तो हो जाएगा कि पुस्तकालय पहिए पर, ठीक है, जो यानी कि मोबाइल पुस्तकालय की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी केवी में जो प्रश्न आया था आपका, तो वहां पे ये पूछा था कि मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील क्या है, ठीक है ना, तो उसमें ये कहा था चल ग्रंथालय, ठीक है, लेकिन अपना ये आता है कि रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था, तो डीप्थ में स्टडी करते हैं, जब आपका सही आंसर आता है लिब्रासिन, लाइब्रेरी ऑन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले ग्रंथालय शिक्षा का प्रशिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ था? कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल, शिकागो या मद्रास। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में, और भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत में बड़ौदा 1911 शिवाजी राव गहरवाल तृतीय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर डी बी कृष्णा राव को कौन से वर्ष में पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन है आपके सामने 1955, 1956, 1957, 1959, 1957। तो
पीएचडी की शुरुआत कब से हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम इन्होंने डीवी कृष्णा राव ने की, तो कब से शुरू हुई? 1951 से। और एमफिल का, यानी एमफिल हुई है 1978 में, पीएचडी 1951 में। आपको यहाँ पूछा है कि डीवी कृष्णा राव के द्वारा पीएचडी की उपाधि कब की गई थी? 1957 में। तो किनके निर्देशन में की गई, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर डीवी कृष्णा राव ने 1957 में किनके निर्देशन में पीएचडी की थी? डॉक्टर रंगानाथन महोदय के निर्देशन में की थी। तो उनका शोध शीर्षक क्या था? शोध शीर्षक था आपका फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लाइब्रेरी साइंस द्वितीय पीएचडी किसे प्रदान की गई? भारत में ऑप्शन है आपके सामने, पांडे एस के शर्मा, पी एन कोल्ला, सी जी विश्वनाथन, जे एस शर्मा। द्वितीय पीएचडी आपके पांडे एस के शर्मा ने की थी। उन्होंने किनके सानिध्य में की, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा था कि डीवी कृष्णा राव ने डॉक्टर रंगानाथन महोदय के निर्देशन में की है। पीएचडी करने के लिए किसी किनके निर्देशन में की जाती है, तो वो किनके द्वारा और उनका शोध शीर्षक क्या था, ये चीज, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पांडे एस के शर्मा द्वितीय पीएचडी आपके सामने आई है, तो उनके आपके सानिध्य डॉक्टर जे एस शर्मा के सानिध्य में की गई। और उनका शोध शीर्षक था डीडीसी स्कीम फॉर इंडोलॉजी। शोध शीर्षक था डीडीसी स्कीम फॉर इंडोलॉजी। पीएचडी से अपना चल रहा है, तो राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम पीएचडी किन्होंने की थी? डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा ने। सुभाष चंद्र वर्मा, ठीक। और किनके सानिध्य में, इनके शोध निर्देशक थे आपके एस बसीरुद्दीन, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला अखिल भारतीय ग्रंथालय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? नाहौर में 1918, बी ऑप्शन 1933 में कलकत्ता, 1924 में मद्रास, 1928 में बंगाल, 1918 में लाहौर। वेरी गुड। भारतीय ग्रंथालय संघ की आधिकारिक पत्रिका का नाम बताइए। भारतीय ग्रंथालय संघ की आधिकारिक पत्रिका आईएलए, आईएलए न्यूज़लेटर आधिकारिक पत्रिका है, 1948 से प्रारंभ मासिक पत्रिका है। और वैसे इन चारों ऑप्शन पे अपन नजर डालें तो ये चारों ही प्रकाशन आईएलए के हैं, याद कर लीजिएगा, एफ जिला, जिला, आईएलए न्यूज़लेटर, आईएलए बुलेटिन। हमने पिछले पेपर में भी इनकी फ्रिक्वेंसी देखी थी। बता सकते हैं, एफ जिला की त्रैमासिक, जिला की त्रैमासिक, आईएलए न्यूज़लेटर मासिक, और डी ऑप्शन है आपका आईएलए बुलेटिन त्रैमासिक। तो हमें यानी कि यहाँ से पता चलता है कि तीन, एफ जिला, जिला और आईएलए बुलेटिन, तीनों की त्रैमासिक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी से संबंधित रहेगा हमारे एग्जाम में, पिछला 2016 का पेपर देखोगे तो फ्रिक्वेंसी से मिला है, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेगी मेडल कब प्रारंभ किया गया था? 1936 में। नेक्स्ट है आपका, करेक्शन कर लीजिए, आईएलएफ लिख रखा है, एफला, एफला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आइजेक कुलिजन। तो वर्तमान अध्यक्ष, इन्होंने पूछा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, प्रथम अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ग्लोरिया परेज स्लैमरॉन, जो स्पेन के हैं, ग्लोरिया परेज स्लैमरॉन वर्तमान अध्यक्ष। इफ्ला के वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है कि क्या अभी इफ्ला, आईजेक कुलिजन, आईएलए का अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इफ्ला के, हाँ, ग्लोरिया परेज स्लैमरॉन। इफ्ला के वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्ष है क्रिस्टिना मैकेंजी। वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्ष है क्रिस्टिना मैकेंजी, ऑस्ट्रेलिया से। यूनेस्को द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर,
CDS, IS, IS कब आया? नहीं, 1985 में। और ये क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर पर आधारित सिस्टम है। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, संजय, लाइब्रेरियन, CDS, IS, इसका सही आंसर हो ही गया, और मैत्रेय। तो संजय जो सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा विकसित किया गया? संजय सॉफ्टवेयर किनके द्वारा विकसित किया गया? डेसी डॉक के द्वारा। तो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन नाम से नहीं है, लाइब्रेरी 2000, लाइब्रेरी 2000 सॉफ्टवेयर है जो मैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक। और मैत्रेयी है निस्केयर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। देश में पुस्तकालय 47, पुस्तकालय एवं प्रौद्योगिकी की नीतियों की सूचना विनिमय प्रणाली स्नैपसिस का किसने प्रोत्साहन किया था? यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट किस संस्थान ने तैयार किया था? RRR, LF ने। तो राष्ट्रीय नीति नेपलिस कब आई? 1983 में डॉक्टर DB बरुआ की अध्यक्षता में प्रारूप तैयार किया गया। गठन 1985 में डॉक्टर DB चट्टोपाध्याय जी के नेतृत्व में किया गया। और 1986 में नेपलिसिस ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी थी। आईएलए से कोई घटनाक्रम याद आ रहा है? आईएलए 1994 में आईएलए द्वारा भारत में लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरियन डे जो रंगनाथन जी के जन्मदिन पर मनाते हैं, वह 12 अगस्त को मनाया जाने लगा था। किनके द्वारा? आईएलए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INB में कन्नड़ भाषा के लिए उपयोग में किए जाने वाला संकेत है? ऑप्शन नंबर बी, कैन, KAN, तीन शब्दों में इसको, तीन अक्षरों में दर्शाया जाता है। तो गुजराती और मलयालम, इनका भी हमें पता होना चाहिए। मलयालम MAL नहीं, राजस्थान भाषा है। यहाँ पे पूछा है कि INB में जो 14 भाषाएं हैं आपकी, उसमें से कन्नड़ भाषा के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है? वैसे स्टेट का नाम नहीं पूछा है यहाँ पे, राजस्थानी भाषा RAJ, जिसको अभी तक वो दर्जा प्राप्त नहीं है आपका, INB प्रकाशित नहीं है राजस्थानी भाषा में। संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें में से केवल 22 में से 14 भाषाओं में INB प्रकाशित हो रही है, उन्हीं के शॉर्ट टर्म्स पूछे जाएंगे। स्टेट का नाम नहीं पूछा यहाँ पे कि स्टेट, कोई भी स्टेट ले लिया उसकी शॉर्ट फॉर्म बता। राजस्थानी है लेकिन जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान संशोधन में, उनमें से जो ये INB है, INB 14 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है, जिसमें अपन को पूछा है कि कन्नड़ भाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेंगे संकेत, तो KAN। INB कब से प्रकाशित हो रही है? नहीं, 1957 से मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, इनकुनबुल्ला क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, 1500 से पहले के प्रकाशन, 1763 के पहले के प्रकाशन, 1965 के पहले के प्रकाशन, या अभी वर्तमान में चल रहा है प्रकाशन। इनकुनबुल्ला 1500 से पहले के प्रकाशन है। इनकुनबुल्ला जो 1500 से पहले जो चल रहे थे पब्लिकेशन, उनको इनकुनबुल्ला कहते हैं। तो ये था हमारे सामने पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। हमने पिछले पेपर नंबर 2 में एक इंडेक्सिंग से संबंधित पूछा था कि यूनिट टर्म इंडेक्सिंग किनकी है। तो यूनिट टर्म्स इंडेक्सिंग मार्टिमर ट्यूब ने विकसित की थी, और हमने वहां पे देखा था कि जे केसर बताया गया था आंसर। तो जे केसर की एक और इंडेक्सिंग है, तो उन्होंने दी थी आपकी सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, और यूनिट टर्म्स इंडेक्सिंग जो थी वो मार्टिमर ट्यूब की थी। सभी यूट्यूबर्स को धन्यवाद, आपने हमें सुना देखा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यह पेपर हमारे अस्तित्व गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे अस्तित्व टाइप कीजिए, वहाँ पे आप इंस्टॉल कीजिए उसको, फिर आपको वहाँ से बैच मिल जाएगा। बैच में आप हर बुधवार और शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है दीजिए, और उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। उनके सॉल्यूशन कंटिन्यू हम यहाँ पे इसी श्रृंखला में आज चौथे पेपर का किया था। जिन जो विद्यार्थी नए हैं यूट्यूबर्स पे, वो प्ले स्टोर में जाओ, प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देखें। आप ही के लिए ये एक श्री समृद्धि क्लासेज के द्वारा नवाचार है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।